हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लिनक्स पर। लिनक्स स्टार्ट करने के पहले हमको इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आने के पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया था, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से बना है उसकी हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1973 में बना, सी लैंग्वेज में इसको बनाया गया था, ठीक है। बट उसके पहले यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको केन थॉम्सन ने बनाया था 1969 में। उसके पहले मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम था जो 1965 में बना हुआ था, ठीक है। मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कब बना, 1973 में, ठीक है। पर जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स रखा गया। ओपन सोर्स का मतलब कि यूनिक्स का जो कोड है कोई भी डाउनलोड कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग एक नया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे में कुछ कंपनियां सामने आई जैसे AT&T, बेल लैब्स, सन माइक्रोसिस्टम, IBM, SG, SCO, BSD, HP, ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां सामने आई। इन्होंने अपना अपना एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। जैसे ये AT&T बेल लैब्स का SysOne से लेके SysFive तक उसने बनाया, सन का सोलारिक्स लिनक्स है, IBM का AIX लिनक्स है, SG सिलिकॉन ग्राफिक्स इसका आयरिक्स है, SCO सांतो क्रूज ऑपरेशन इनका SCO यूनिक्स है, बारक्ले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन उनका फ्री BSD है, हैवल्ड एंड पैकर्ड HP UX ये इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंपनियां आई और अपना अलग अलग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। बट ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, मतलब लोग इसको उतने इजीली इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो बात जो थी ये एक ऐसे न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिसका नाम है लिनस टोरवाल्ड, इन्होंने सोचा क्यों ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए जो सब लोग इसको फ्रीली यूज़ कर सके, ठीक है। तो ऐसा लिनस टोरवाल्ड ने सोचा और 1990s में लिनस टोरवाल्ड ने एक नया कर्नल डेवलप किया, ठीक है। 386 इंटेल मशीन्स के लिए एक नया कर्नल डेवलप किया और इस कर्नल को OS सबको दे दिया, ओपन सोर्स फाउंडेशन को, कि तुम इस कोड को लो और इसके अंदर में जो जो लोग इसके अंदर में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो डेवलपमेंट कर सकते हैं और नए नए कोड उसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं वो अगेन आगे में आई और उन्होंने लिनक्स का जो कोड है उसको डेवलप करना शुरू कर दिया, जैसे कि रेड हैट, CentOS, सूसे, पपी लिनक्स, उबंटू, डेबियन, बॉस, लिनक्स मैंडी, टर्बो लिनक्स, मिंट, ऐसे काफ़ी लाखों डिस्ट्रीब्यूशंस है लिनक्स के जो मार्केट में आए और उन्होंने अपना अपना लिनक्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इसको यूज़ क्यों करें, सबसे पहली बात। तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके आप इसके अंदर में अपने अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हो जो आपको फीचर्स चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ऊपर से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एट अ टाइम आप मल्टीपल और जो प्रोग्राम से उसको रन कर सकते हो, साथ में ये मल्टी यूज़र्स भी हैं, मतलब एट अ टाइम मल्टीपल यूज़र मल्टीपल टर्मिनल्स के ऊपर में मल्टीपल यूज़र्स इस OS में रन हो सकते हैं, साथ में पोर्टेबिलिटी है, कोई भी हार्डवेयर के ऊपर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, ठीक है। प्लस स्केलेबिलिटी है कि ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सर्वर भी आप यूज़ कर सकते हो, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एज आप क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के समान नहीं है। विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग दिए हुए हैं, 2003, 8, 12, 16, 19। इसमें कैसा है कि वही सर्वर वही लिनक्स, मतलब उसमें सर्विसेज डाल दिया तो बन जाएगा सर्वर, सर्विसेज नहीं डाली तो बन जाएगा वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में रिलायबिलिटी है कि आप इसको विदाउट सिंगल डाउन टाइम, मतलब कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो सिस्टम को आपको बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, आपने चेंजेस कर दिया वो अप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डाउन टाइम। तो डाउन टाइम इसका काफ़ी कम है, सिक्योरिटी भी बहुत हाई लेवल पर है, हाई लेवल का फायरवॉल्स इसके अंदर में दिया गया है, ठीक है। अब
ये सारे जो लिनक्स हैं, जैसे मैं बात किया अभी कि लिनक्स के एक ओपन सोर्स है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पर ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जिसको लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था वो वाला, ठीक है, बट कुछ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ कंपनी आई, जैसे मैं से रेड हैट मैंने कहा, उबंटू, फेडोरा, ये इनके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं है, इनके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मान लो रेड हैट के लिए आपको पे करना पड़ेगा, हाँ, बट अगर आप सर्विस चाहते हो तभी आपको पे करना पड़ेगा, अगर आपको सर्विस नहीं चाहिए तो आप जो रेड हैट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए रेड हैट के जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है RHEL, उसकी सीरीज का नाम है RHEL, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स से लेके रेड हैट इंटरप्राइज 8 तक के चल रहा है, और स्टार्टिंग में रेड हैट 1 से रेड हैट 9 था, बीच में रेड हैट ने फेडोरा के साथ में अपना एक कोलैबोरेशन किया था, अभी ये CentOS भी इनके अंडर में ही आता है, तो ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे फेडोरा 31 तक, ठीक है, तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अगर आपको इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर के अंदर तो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ये दो पार्ट में इंस्टॉल होता है, एक तो आप इसको GUI बेस कर सकते हो, आप इसको CLI बेस भी कर सकते हो। GUI बेस करते हो तो इसमें जो प्रोसेसर है मिनिमम 800 से लेके 1 GHz का लगेगा, रैम जो है 128 MB, और GUI बेस करते हो तो 256 MB, SSD 1 GB से लेके 3 GB तक मिनिमम लगती है, इतनी है तो ये OS जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम भी बात करते हैं पार्टीशनिंग की, जैसे विंडोज़ में लोगों ने, अगर आप लोगों ने विंडोज़ इंस्टॉल किया होगा देखा होगा CDEF ऐसे 6 के पार्टीशन बनते हैं, पर लिनक्स में वैसे CDEF 6 पार्टीशन नहीं बनते, यहाँ पर रूट बूटस्ट्रैप मतलब ये रूट, जैसे स्लैश जो दिखता है इसको रूट बोलते हैं, ये होता है, उसके बाद बूट पार्टीशन जिसके अंदर में सारे बूटेबल फाइल्स होती हैं उसको बूट पार्टीशन बोलते हैं, उसके बाद में होता है एक स्वैप पार्टीशन, मतलब ये स्वैप पार्टीशन ये रैम के डबल दिया जाता है, एक वर्चुअल पार्टीशन होता है। वैसे आगे में फाइल सिस्टम में इनके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, पर अभी के लिए यहाँ पर रूट बूट स्वैप ये पार्टीशन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने बना दिया, उसके बाद में आप इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।